अलवर नगर परिषद यानी कि भिवाड़ी की अगर बात करें तो भिवाड़ी नगर परिषद में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने बूथ बनाने की कवायद शुरू कर दी है। पार्टियों ने अपना बूथ बनाने के लिए मशक्कत शुरू कर दी है। भाजपा ने अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है और बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। अलवर में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के निवास पर बैठक का आयोजन किया और उसके बाद बसों में बैठाकर पार्षदों को होटल भेज दिया गया। कांग्रेस के पार्षद सरिस्का के पास एक होटल में ठहरे हैं तो भाजपा भी पार्षदों को एकत्र कर होटल में भेज रही है। भिवाड़ी के पार्षद तो पहले ही हरियाणा भेजा जा चुका है। हमारी आज सभी जो प्रत्याशी थे उन सबों से हमारी मुलाकात हुई है, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हुआ है। जो जो चुनाव के अंदर बातें हुई थी, चुनाव के अंदर सबों के अंदर बहुत बड़ी खुशी थी कि कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर ये चुनाव लड़ा है, इसके ऊपर चर्चा हुई है। बाकी अब आगे की जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो सभी पार्षदों से पूछकर और आगे तय करा जाएगा। अभी सारे फार्म वारम भरे जा रहे हैं काउंटिंग एजेंट्स के, उसके वो सब कार्रवाई चल रही है। नहीं, सब लोग एकजुट हैं और अच्छा माहौल है, अच्छा जो रेस्पॉन्स आ रहा है हमारे प्रत्याशियों का, वो मेजोरिटी के साथ हम जीत रहे हैं। आज उसी संबंध में चर्चा की है, कल के काउंटिंग एजेंट बनाने की वो सारी बातें की गई हैं और हम बोर्ड बनाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत का बोर्ड अलवर नगर परिषद में, भिवाड़ी नगर परिषद में, थानागाजी नगर पालिका बनने जा रहा है। जहाँ तक आप यदि अलवर नगर परिषद के बारे में पूछना चाह रहे हैं, हमारे प्रत्याशी अभी तक सब अपने अपने घर पे ही थे क्योंकि सबको अपने अपने वो काउंटिंग एजेंट्स के फार्म भी भरवाने थे, वो लगभग उन्होंने पूरा अपना होमवर्क कर लिया है। और अभी हमने औपचारिक रूप से बैठक के लिए इन सबको बुलाया है, किस प्रकार से कल काउंटिंग होगी तो क्या अपन को किस तरह से काउंटिंग में संयम बरतते हुए धैर्य के साथ काउंटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके साथ साथ जब पूर्ण बहुमत का बोर्ड बन रहा है तो हमें कोई चिंता नहीं, आराम से बैठे। अलवर में भाजपा भी बाड़ेबंदी की तैयारी कर रही है। सभी पार्षदों को एकत्रित कर लिया गया है। आधा दर्जन से ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशियों को भी भाजपा ने एकत्रित कर लिया है। कल निकाय चुनाव की मतगणना होनी है और चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी में रख लिया जाएगा जबकि चुनाव हार जाने वाले प्रत्याशियों को वापस भेज दिया जाएगा। कांग्रेस की ओर से पहले ही बाड़ेबंदी चल रही है। भिवाड़ी नगर परिषद में भाजपा की ओर से भी बाड़ेबंदी हो गई है जिन्हें हरियाणा की तरफ रखा गया है। अलवर में शहर विधायक संजय शर्मा और जिला अध्यक्ष संजय नरुका पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। सर, क्या पूरा प्लान है, सारे पार्षद बुला लिए हैं आपने जो प्रत्याशी हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी अलवर नगर परिषद के वो अभी आए हैं, उनकी बैठक माननीय जिलाध्यक्ष महोदय ने रखी है और उसके बाद कल का जो मतदान का दिन है, मतगणना का जो दिन है, उसके बारे में किस प्रकार से पार्टिसिपेट करेंगे, क्या करेंगे, धैर्य से रहें, उस प्रकार की सारी बातचीत आज हम इनसे बातचीत संगठनात्मक जो भी दिशा निर्देश होंगे माननीय जिलाध्यक्ष जी इनको देने वाले हैं। बाड़ेबंदी की तैयारी है, कहाँ आज रात को रोका जाना है? देखिए, बाड़ेबंदी की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे सभी प्रत्याशी अभी तक अपने अपने घर पर ही विराजमान थे और इन्होंने सभी कल जो काउंटिंग में कार्यकर्ता जाएंगे उनके कार्ड्स इन्होंने बनवाए हैं और अभी सभी कार्यकर्ता प्रत्याशी हैं, मैं तो कार्यकर्ता ही कहूँगा, सभी हमारे पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनसे राय करेंगे और ये जैसा भी निर्णय लेंगे उसके आधार पर पार्टी बाड़ी वाली भाजपा भी अपनी अलग थोड़ी है, वो तो चले गए हैं, वहाँ तो परंपरा है। देखिए, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली है कि वो लेके गए हैं तो उन्होंने कोई रणनीति के तहत उनको लेके गए होंगे। और अब भी मैं आपको आग्रह यही कर रहा हूँ कि हमारे सभी प्रत्याशी यहाँ मौजूद हैं और ये जो भी निर्णय लेंगे उसके आधार पर माननीय जिलाध्यक्ष जी निर्णय। जिलाध्यक्ष भाजपा के हमारे साथ हैं संजय नरुका जी, क्या प्लान आपने किया है, किस तरह, क्या आप बोर्ड बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, क्या प्लान है? देखिए, तीनों नगर परिषद, दोनों नगर परिषद और एक नगर पालिका, इन तीनों में ही नगर परिषद में और पालिकाओं में बीजेपी का बोर्ड बनने जा रहा है। हमारे अधिक से अधिक संख्या में पार्षद जीत के आने वाले हैं और सभी पार्षद पार्टी के प्रति कटिबद्ध हैं। कटिबद्ध हैं, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं अभी, आपको क्या लगता है कितने पार्षद जीत के आ जाएंगे, कितने आपने निर्दलीय भी बुलाए हैं आपके पाले में हैं और
कहाँ बाड़ेबंदी कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास कोई बाड़ेबंदी का कोई प्रथा सिस्टम नहीं है, लेकिन जैसे भी अगर जो पार्षद लोग चाहते हैं कि भाई हम एक जगह कहीं एकत्रित होकर रहना चाहते हैं, तो जैसे भिवाड़ी में उन लोगों ने चाहा है, थानागाजी में जिन लोगों ने चाहा है कि भाई हम लोग एकत्रित होकर रहें, इसलिए वो उन्होंने अपने अपने हिसाब से व्यवस्था रखी है। आज हम सब लोगों ने अलवर में भी सारे पार्षदों को यहाँ बुलाया हुआ है और उन सबसे चर्चा करेंगे कि भाई कल मतगणना के बाद आप लोगों के जो भी सुझाव आएँ तो उसी हिसाब से ये लोग अपना निर्णय करने वाले हैं कि भाई इनको क्या करना है। वो यहीं अभी तक भी घर पर रहे थे और अब वो अगर चाहेंगे घर पे रहेंगे तो घर पे रहेंगे, और अगर ये चाहेंगे कि भाई सब लोग संगठन सिस्टम से एकजुट होकर रहें तो उसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। अभी ये सब लोग तय करने वाले हैं। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी वही लोग आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने अपने आप संपर्क रखा है और वो पार्टी के एक राष्ट्र हित में एक अच्छे बोर्ड बनाने के लिए वो सहयोग कर रहे हैं। भाजपा के अपने दावे हैं और कांग्रेस के अपने दावे हैं, लेकिन ये सही है कल मतगणना होनी है और उससे पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने पार्षद प्रत्याशियों को इकट्ठा कर लिया है। इवन जो निर्दलीय जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं, जो जीत सकते हैं, उन्हें भी अपने साथ ले लिया है। मतगणना के बाद वो लोग प्रत्याशी जो जीत जाएंगे, पार्षद बन जाएंगे, उन्हें फिर से इकट्ठा रखने की बात हो रही है। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ अलवर।